नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। दुनिया में अपने लिए काम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो समाज के लिए काम करे ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम है। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने पूरे गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। हम बात कर रहे हैं रितु जायसवाल की। रितु जायसवाल आईएएस अफसर अरुण कुमार की पत्नी हैं और समाज की भलाई करने के लिए जानी जाती हैं। आज उनके गांव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने गांव की तस्वीर बनाने के लिए उनके लिए इतना आसान नहीं था। कहानी शुरू होती है रितु के अपने ससुराल आने से। जब वह शादी के 15 साल बाद अपने ससुराल आई तो वह गांव का पिछड़ापन देखकर काफी परेशान हो गई। न तो गांव में बिजली थी और ना ही सड़क। रितु से ये सब देखा ना गया और उन्होंने गांव को इस पिछड़ेपन से निकालने की ठान ली। रितु ने मुखिया बनने के बाद गांव के विकास के लिए काफी काम किया। यही कारण है कि अब गांव में उनके बेटी जैसा प्यार मिल रहा है। आसान नहीं था सब पाना। बिहार, रितु बिहार के सीतामढ़ी जिले के सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया हैं। सड़क बनाने के लिए लोग अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें बड़ी मशक्कत के बाद मनाया गया। रितु विकास के सभी कामों की निगरानी खुद करती हैं। इस दौरान वह कभी बाइक चलाती दिखती हैं, तो कभी ट्रैक्टर और कभी जेसीबी पर भी सवार दिखती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रितु ने बताया कि उनकी शादी 1996 में हुई थी। उनके पति 1995 बैस के आईएएस एलाइट अरुण कुमार हैं। शादी के 15 साल तक जहां भी उनके पति की पोस्टिंग होती थी वह उनके साथ जाती थी, लेकिन 15 साल बाद उन्होंने अपने पति से ससुराल जाने की बात कही और उनके घर के सभी लोग नरकटिया गांव जाने के लिए तैयार हो गए। तभी रास्ते में गांव पहुंचने से कुछ दूर पर उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। जब काफी कोशिशों के बाद भी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकली तो बैलगाड़ी पर सवार होना पड़ा, लेकिन कुछ देर जाते ही वे भी कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद रितु उस क्षेत्र के विकास करने के लिए प्रेरित हुई। रितु ने विकास की शुरुआत गांव की लड़कियों को पढ़ाने से की। साल 2015 में नरकटिया गांव की 12 लड़कियों ने पहली बार मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर 2016 में रितु ने सिंहवाहिनी पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ा। रितु के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 32 उम्मीदवार थे, जिसमें उन्हें जीत मिली। गांव की मुख्य सड़क बनाने के लिए टेंडर हुआ था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने अड़ंगा लगाया, जिसके बाद टेंडर रद्द हो गया, लेकिन इसके बाद सड़क के लिए जल्द ही काम शुरू हो गया। लेकिन सड़क के लिए जमीन की जरूरत थी, जिससे गांव वाले छोड़ने के लिए मान नहीं रहे थे। रितु ने इसके लिए लोगों को मना लिया। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर सड़क नहीं बनेगी तो गांव का विकास कैसे होगा, बच्चे कैसे गांव से बाहर जाएंगे, खेती का सामान अगर बाजार में बेचा जाए तो और अधिक पैसा मिलेगा, साथ ही गांव के बीमार लोगों को इलाज के लिए गांव के बाहर ले जाया जा सकेगा। इन बातों का असर गांव वालों पर हुआ और वे अपनी जमीन छोड़ने को राजी हो गए। सिंहवाहिनी पंचायत 2016 में खुले से शौच मुक्त हो गया था। इस पंचायत में कुल 7 टोले हैं, जिनमें से कई में पीसीसी सड़क बन गई है। अब गांव में बिजली भी पहुंच गई है। गांव में बच्चा का समूह बनाकर उन्हें मुफ्त में शिक्षित किया जा रहा है। उन्हें पढ़ाने वाली भी गांव की ही लड़कियां हैं। रितु का कहना है कि उन्होंने पहले 20 लड़कियों को प्रशिक्षित किया था, क्योंकि लोगों को अकेले जागरूक करना उतना आसान नहीं है। अब ये लड़कियां बाकी बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही हैं। कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखा रही हैं। इसके साथ ही जिसके लिए सरकार से लेकर एनजीओ तक की मदद मिल रही है। बता दें, अपने इन्हीं कड़े प्रयासों के कारण रितु को उच्च शिक्षित मुखिया का अवार्ड मिल चुका है। साथ ही उन्हें पंचायत के विकास के लिए कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। रितु को पंचायत में बेहतर काम के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से नवाजा है। ये कार्यक्रम इंटरेक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने आयोजित किया था। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, ब्यूरो की रिपोर्ट।
संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।